हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है संजू सर आईटीआई के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम लोग ये फिगर देख रहे हैं जी, इस फिगर का हम लोग आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनाएंगे जी। कैसे सेट स्क्वायर यूज करके आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनाते हैं जी, इसको ध्यान से देखेंगे जी। देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पे है जी, आइसोमेट्रिक व्यू है। तो आइसोमेट्रिक व्यू बनाने के लिए देखिए, दो ठो हमारा सेट स्क्वायर पाया जाता है दो सेट में। तो देखिए ये वाला चौड़ा वाला सेट स्क्वायर होता है जी, और ये वाला हमारा पतला वाला ये सेट स्क्वायर होता है। तो हम आइसोमेट्रिक व्यू बनाने के लिए जी, पतला वाला सेट स्क्वायर का ऐसा यानी ये जैसा आकृति ये है जी, आप लोगों को देख रहे हैं इन लोग जी, यानी ये वाला जो सेट स्क्वायर है इसकी सहायता से हम लोग आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करते हैं जी। तो हम लोग स्टेप बाई स्टेप ध्यान देंगे जी, कैसे आइसोमेट्रिक व्यू ड्राइंग को इस आइसोमेट्रिक व्यू को कैसे ड्रॉ करेंगे जी। स्टेप बाई स्टेप ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं जी, सबसे पहले हम लोग बेस लाइन लेते हैं जी। तो बेस लाइन लेने के लिए क्या करेंगे, सबसे आसान तरीका है जी, इसे बेस लाइन बहुत से तरीका से लिया जाता है जी। तो देखिए सबसे आसान तरीका ये है हमारा कि यहाँ पे एक ये सेट स्क्वायर का कोर और पेज का कोर ये प्रॉपर एक दूसरे पे रखेंगे, और उसके बाद बेस लाइन हमारा क्लियर हो गया जी। देन उसके बाद एक और बेस लाइन लिया जाता है, जिसे देखिए ये जो हमारा क्या है जी, ये जो सेट स्क्वायर है इसका कॉर्नर और ये वाला दोनों साइड में प्रॉपर एक दूसरे के प्रॉपर मिलाकर यहाँ से हम लोग एक लाइन लेते हैं। क्लियर हुआ जी। आगे देखिए ध्यान से, ऊपर वाला बेस लाइन पर कहीं भी एक पॉइंट मार्किंग कर लेंगे। देन यहाँ से लेफ्ट सॉरी राइट साइड देन लेफ्ट साइड, हम दोनों साइड में हम मेजरमेंट लेते हैं। ध्यान दीजिए सेट स्क्वायर देखिएगा, जैसे जैसे हम मूव कर रहे हैं जी वैसे वैसे आप लोग भी मूव कीजिएगा। देन सेट स्क्वायर को यहीं पे क्या करेंगे जी, ऐसे यहाँ पे पलट देते हैं जी, उल्टा कर देंगे इसको। देन यहाँ पर उल्टा करने के बाद जी, यहाँ से क्या कीजिए, इसको ये वाला हम लोग यहाँ से ड्रॉ कर दें। क्लियर हुआ जी। उसके बाद देखिए ये परपेंडिकुलर लाइन यहाँ से हुआ है, बीच वाला जो सेंटर पॉइंट है जी, तो परपेंडिकुलर लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए ये जो सेंटर पॉइंट है जी, केंद्र बिंदु, यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। क्लियर हुआ जी। उसके बाद ध्यान देंगे जी, उसके बाद हम लोग सेट स्क्वायर को हटा दीजिए, तब इसको मेजर कर लेंगे टोटल डिस्टेंस हमारा कितना है जी, इसको देखेंगे। तो ये वाला दूरी टोटल हमारा 15 है जी, कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा टोटल 15, इसका मेजरमेंट यहाँ पे दिखाया गया है जी। तो हम लोग यहाँ पे 15 दूरी ले लेंगे। 15 दूरी लेकर हम क्या करेंगे जी, यहाँ से मार्किंग कर देंगे। क्लियर हुआ जी। तो देखिए ये तीन जगह मार्किंग की, एक इसका काम क्या है हम आगे बताएंगे जी। ये टोटल दूरी कितना है जी, 10 3 5 35, 10 10 20 10 30 और 5 35 है जी। तो इसको चार भाग में बांटा है जी 35 को, तो हम लोग भी यहाँ से चार भाग में ले लेंगे। फर्स्ट ब्लॉक है 10, सेकेंड ब्लॉक है 5, फिर 10, फिर 10 का है जी। तो क्लियर हुआ। देन हमारा देखिए ये राइट साइड में कितना है जी, टोटल 45 है, तो इसको तीन ब्लॉक में बांटा गया है जी, यानी 45 है टोटल। तो ये वाला 15 दूना 30 15 3 45। क्लियर हुआ जी। तीन ब्लॉक हमारा यहाँ पे, तीन मेजरमेंट हमारा रेडी हो चुका। अब आगे ध्यान दीजिए, इसको हम लोग सेट स्क्वायर को फिर नीचे वाले बेस लाइन पे रखेंगे। इस पे रखिए या इसके नीचे जो बेस लाइन है वहाँ पे भी रख सकते हैं। क्लियर हुआ। अब देखिए इसका जो लास्ट पॉइंट है, ये जो मार्किंग किए हम, यहाँ से क्या करेंगे जी, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। सेम प्रोसेस यहाँ से भी क्या करिए जी, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। क्लियर हुआ जी। उसके बाद ध्यान देंगे जी, उसके बाद हमारा यहाँ से भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर मेरा यहाँ से भी, और ये तो हमारा ऑलरेडी है ही जी। उसके बाद ध्यान देंगे जी, उसके बाद ये भी जो मार्किंग किए हैं जी,
ये वाला जो इधर राइट साइड में, तो यहाँ से भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये वाला भी हमारा परपेंडिकुलर लाइन, देन ये वाला है हमारा जी, इसको भी परपेंडिकुलर लाइन। क्लियर हुआ जी? इसको ध्यान दीजिए। अब यहाँ से सेट स्क्वायर को रख के, ये टोटल इधर से 15 है जी, तो यहाँ से हम 15 ले लिए। क्लियर हुआ जी? उसके बाद ध्यान देंगे, इधर से ये सेट स्क्वायर को रख के, अब इधर जो भी दूरी लिए हैं जी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो भी दूरी है जी, इसको हम लोग यहाँ से ये हुआ, उसके बाद ये वाला दूरी हमारा, इसकी आवश्यकता नहीं है जी, बीच वाला ऊपर वाला की आवश्यकता है जी यहाँ से, तो ये दूरी हमारा यहाँ से हुआ। क्लियर हुआ जी? इतना फाइनल हुआ आप लोगों का, आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद एक पॉइंट आप नोट कीजिएगा, इस यहाँ से भी क्या है जी हमारा, यहाँ से भी लाइन गया है, देन इस पॉइंट से भी इधर, देन उसके बाद यहाँ से भी एक लाइन गया है। क्लियर हुआ जी? उसके बाद ध्यान देंगे जी, उसके बाद सेट स्क्वायर को प्लॉट दीजिए, देन ये वाला जो पॉइंट है जी हमारा, देखिए यहाँ से जो परपेंडिकुलर लाइन लिए, यहाँ पे जो आके काटा है जी, तो ये वाला लाइन ये हुआ यहाँ से। क्लियर हुआ जी? उसके बाद देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये इस पॉइंट, ये वाला और ये वाला, ये 1 2 3 4, चारों पॉइंट से क्या है जी, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, काफ़ी बेटर क्लियर होगा जी। तो ये वाला हमारा इतना क्लियर हुआ जी, आप ध्यान देंगे जी, टोटल हमारा ये हाइट कितना है जी, यहाँ पे इतना क्लियर हुआ जी। अभी देखेंगे ये वाला टोटल हाइट हमारा कितना है जी, 30 है, तो यहाँ से 30 मेजर कर लीजिए जी, तो फर्स्ट ब्लॉक, उसके बाद हमारा यहाँ से 15 दूना यहाँ से हुआ, देन ये वाला हमारा ये पॉइंट हुआ। क्लियर हुआ जी? उसके बाद देखेंगे जी, उसके बाद आप लोग यहाँ पे एक पॉइंट नोट कीजिएगा जी, कैसे ये फिगर बन रहा है जी। देखिए आगे इसको सेट स्क्वायर को, इसको ऐसे मूव कीजिए, यहाँ से हम मूव इसको यहाँ से ऐसे कर दिए जी। क्लियर हुआ जी? उसके बाद सेट स्क्वायर को प्लॉट देंगे जी, देन सेट स्क्वायर को प्लॉटने के बाद इसको हम लोग क्या करेंगे जी, यहाँ से ये जो लाइन को काटा है, हम यहाँ से एक लाइन ले लेंगे, फिर हम यहाँ से भी एक लाइन लेंगे जी, देन सेट स्क्वायर को ऐसे फिर प्लॉट के, आप यहाँ से भी एक रेखा का निर्माण करेंगे, देन आगे ध्यान देंगे जी, ये वाला रेखा का तार निर्माण हो गया जी, उसके बाद ध्यान देंगे जी, उसके बाद ये वाला जो ब्लॉक है जी, इसका ये निर्माण होगा जी। देखिए ये कहाँ से होगा जी, यहाँ से हमारा ये वाला लाइन निर्माण होगा, देन आगे यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये है हमारा ये वाला, और उसके बाद इसको 90 पे लीजिएगा, यानी यहाँ से देखिए ये थोड़ा सा छोटा फिगर है, लेकिन काफ़ी कंजस्टेड फिगर है जी। देखिएगा यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा ये फिगर क्या दिख रहा है, थोड़ा सा रफ दिख रहा है जी। अब इसको डार्क करेंगे जी, जो मोटा पेंसिल है, तो हम HB पेंसिल का यूज कर रहे हैं जी, अब डार्क करेंगे आप लोगों तो काफ़ी बेटर समझ में आएगा। ध्यान दीजिए, सबसे पहले इधर से कितना गया है जी, 10 है, तो यहाँ से हमारा ये 10 हुआ, अब उसके बाद इधर भी हमारा कितना है, लास्ट में भी 10 है। क्लियर हुआ जी? तो ये वाला बीच में क्या है जी, गैप है। क्लियर हुआ? उसके बाद ध्यान देंगे
उसके बाद ये वाला ब्लॉक हमारा ये हुआ जी, उसके बाद ये वाला जो ब्लॉक है हमारा यहाँ से इसको डार्क कर दीजिए, देन उसके बाद इस ब्लॉक को भी डार्क कर देंगे जी। तो यहाँ से हमारा ये देखिए, यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा, जैसे जैसे हम लोग डार्क करेंगे तो फिगर हमारा क्या होगा जी, काफ़ी बेटर बनते जाएगा जी। समझ में आ रहा है जी? तो ये वाला फिगर हमारा यहाँ से क्लियर हुआ जी, क्लियर हो रहा है जी। अब यहाँ से देखिए ये वाला फिगर हमारा क्या हुआ जी, बिल्कुल बन के इधर से रेडी हो चुका। अब यहाँ पे देखेंगे, अब हम लोग ये फिगर इसको ड्रॉ करेंगे जी, यानी इधर का जो हमारा कौन सा है जी, फ्रंट साइड का है जी। तो फ्रंट साइड यानी राइट साइड का है जी, तो राइट साइड का जो भी दूरी है इसको हम डार्क कर दें। देखिए डार्क करने का मतलब है कि जो हमारा वास्तविक रेखा है उसी को हम लोग डार्क करते हैं जी, न कि सभी लाइन को डार्क करते। क्लियर हुआ जी? तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, सभी लाइन को डार्क नहीं किया जाता है। क्लियर हुआ? उसके बाद ये वाला लाइन हमारा ये हो चुका डार्क, उसके बाद हमारा ये लाइन टोटल है जी यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट। उसके बाद ध्यान देंगे जी आगे, यहाँ पे ये वाला जो छोटा लाइन है जी और उसके बाद ये लाइन है। क्लियर हुआ जी? उसके बाद हमारा इतना कर देने के बाद ये वाला जो लाइन है जी, तो ये भी दोनों साइड में क्या है जी, ऊपर हो गया है, देन नीचे भी हो गया है जी। उसी तरह ये भी लाइन है और हमारा ये भी लाइन है। क्लियर हुआ जी? उसके बाद ये टोटल जो लाइन हमारा बिल्कुल 100% हमारा फिगर बन के रेडी हो गया जी। क्लियर हुआ जी? देखिए ये वाला है हमारा आइसोमेट्रिक फिगर बन के रेडी हो चुका है जी। ये वाला हमारा फिगर इतना तक बन गया। अब इसके बाद हम लोग डाइमेंशनिंग करेंगे जी, किस डायमेंशन दिखाने का सेम रेशियो है जी, डायमेंशन वैसे हम लोग दिखाते हैं जी 5 और 10 का रेशियो दिखाते हैं, लेकिन सॉरी 3 और 6 का रेशियो है, लेकिन हम लोग आप लोगों को बताते हैं जी 5 और 10 का ही रेशियो पे दिखाइए डायमेंशन। तो यहाँ पे 5 और 10 यानी 5 mm का गैप और 10 mm का एक्सटेंशन लाइन, फिर सभी जगह जहाँ भी डायमेंशन दिखाना है जी वहीं काम करेंगे जी। 5 mm का गैप और 10 mm का एक्सटेंशन लाइन लेंगे जी, यानी जो भी डायमेंशन है सबको प्रॉपर दिखाएंगे जी। क्लियर हुआ जी? यहाँ पे जो भी डायमेंशन है इन सभी को प्रॉपर यहाँ पे देखिए, ये वाला हमारा डायमेंशन लाइन हो गया जी। सेम प्रोसेस इधर भी सेम कंडीशन है जी, डायमेंशन दिखाने का रेशियो सेम है, जो भी लिए हैं दूरी सभी से उतना ही का दूरी दिखाएंगे जी, उतना ही का डायमेंशन दिखाते। क्लियर हुआ जी? तो आप लोग देखिए ये वाला, इसको ये जो है दूरी जी, इसको हम यहाँ से ये
एरो हेड हो गया, एरो हेड से इसको दिखाते हैं जी। उसके बाद ये वाला हमारा टोटल हुआ 15 15 और 15, इधर 15 15 है। उसके बाद ये वाला जो दूरी है इधर का भी सेम, यहाँ पे इसको दिखा देंगे। तो ये वाला हमारा हुआ 10, उसके बाद ये 10, उसके बाद 5 और उसके बाद हमारा 10। क्लियर हुआ जी। ये वाला हमारा कौन सा व्यू है जी, इसको दिखा देंगे। सॉरी, ये वाला हमारा फ्रंट व्यू है जी। क्या है जी? फ्रंट व्यू। देन ये वाला हमारा साइड व्यू। देखिए ये सब जो भी डायमेंशन दिखा रहे हैं, ये सब आप पतला पेंसिल जो चलता है जी, या हम यूज कर रहे हैं जी, यहाँ पे 2H पेंसिल यूज कर रहे हैं, तो आप 2H पेंसिल यूज कर सकते हैं। क्लियर हुआ। उसके बाद इसका जो हाइट दिखाया गया है जी, इन सभी हाइटों को भी हम लोग यहाँ पे डायमेंशन के तौर पे दिखा देंगे। तो यहाँ पे सभी को हाइट को भी हम लोग प्रॉपर दिखा देंगे कि कौन कितना किसका हाइट है जी। देखिए उधर भी दिखाने का डायमेंशन, इधर भी क्या है जी, 5 और 10 का ही रेशियो होता है जी। तो आप लोग देखिए, ये वाला एरो हेड है जी हमारा, एरो हेड। तो क्लियर हुआ जी। ये वाला हमारा 5 है, उसके बाद ये 10, ये है हमारा 15। क्लियर हुआ जी। अब ये वाला क्या हो जी हमारा, ये फिगर हमारा 100% बनकर रेडी हो चुका है। उसके बाद ये टॉप व्यू है, तो इसको हम लोग दिखा देंगे टॉप व्यू। टॉप व्यू को प्लान भी कहते हैं जी। उसके बाद ये वाला कौन सा, ये कौन सा नाम, इसका क्या नाम है जी, ये कौन सा प्रोजेक्शन है या कौन सा व्यू है? तो ये आइसोमेट्रिक व्यू है। तो ये वाला हमारा आइसोमेट्रिक व्यू हमारा क्लियर हुआ जी। उसके बाद नीचे लिख दिया जाता है जी ऑल डाइमेंशंस, यहाँ पे लिख दिया जाता है नीचे ऑल डाइमेंशंस आर इन mm, यहाँ पे नीचे लिख दीजिए ऑल डाइमेंशंस आर इन mm, यानी उपरोक्त फिगर में जो भी डायमेंशन दिया गया वो सभी के सभी क्या है जी, मिलीमीटर में दिखाया गया है। तो ओके फ्रेंड्स, ये हमारा वीडियो क्या हुआ जी बनके, ये हमारा ये फिगर हमारा बनके रेडी हो चुका है। तो ये एग्ज़ाम में आप लोगों को लगभग ये सेम टू सेम ऐसा फिगर रहता है जी, इसमें लिखा रहेगा जी आपको आइसोमेट्रिक ड्रॉ कीजिए। तो ये हमारा कितना नंबर, 15 से 20 नंबर में ये एग्ज़ाम में लगभग हर एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर रहता है जी। तो ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। ये आइसोमेट्रिक व्यू है, इसका ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल लेकर।